हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अगेन एमफॉर और एमफिल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फीडबैक आया, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आ रहे थे, शायद मैंने पिछले वाले वीडियो में जो है वो कवर नहीं किए थे, तो वो आज सारे जो हैं इसमें कवर किए जाएंगे। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो एमफॉर्म या एमफिल से रिलेटेड अबाउट इन ऑस्ट्रेलिया, सो टुडे आई विल कवर इन दिस। एंड तो फीस क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कैसे चूज़ करें, कैसे उनको अप्रोच करें, और तो ये सारी चीज़ें अब डिस्कस इन दिस। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा लास्ट तक, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल। तो हम बात करते हैं फर्स्ट एमफॉर्म की। सो मैंने बताया था कि किसी को अगर फार्मासिस्ट बनना है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके पास दो चांस हैं, या तो वो 12th के बाद बी फॉर्म करें 4 साल का, और उसके बाद 1 साल की जो है यहाँ पर इंटर्नशिप होती है, और उसके बाद फिर जो है वो एक एग्ज़ाम देगा और फिर से वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएगा। तो ये पूरे प्रोसेस में फार्मासिस्ट बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अबाउट 5.5 से 6 साल लग जाते हैं कि आप जो है फुल फ्लैग फार्मासिस्ट बन जाएं। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप 12th के बाद अगर आपने कोई BSc में एडमिशन ले लिया, या आपने किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिया, जैसे कि फिजियोथेरेपी में और कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोर्स में आपने एडमिशन लिया, आपने वहाँ बैचलर डिग्री कर लिया है, और अगर आप बाद में आप सोचते हैं कि मुझे अब फार्मेसी में जाना है, फार्मेसी में नहीं अच्छा ऑप्शन है, और अब मैं जो है फार्मेसी में जाना चाहता हूँ, तब भी आप जो है एमफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो मोस्टली जहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं एमफॉर्म के अंदर, मैंने देखा है यहाँ पर हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, तो मोस्टली उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो सारे होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो लोग बी फॉर्म कर चुके हैं उनकी कंट्री में, वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस के लिए दो चांस हैं, इसके लिए इसको ये बनाया गया है, मतलब इसको लाइक के बोल सकते हैं लाइक ये पोस्ट बैकलोरेट टाइप से कोर्स है, जैसे कि इंडिया में जो है ना बी फॉर्म के बाद कोई फॉर्म डी करना चाहे जैसे 3 साल का है, उसी टाइप से ये है। मतलब अगर वहाँ फार्मासिस्ट के लिए नहीं है, यहाँ दूसरा सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या है कि आप या तो बी फॉर्म करो या फिर आप एम फॉर्म कर सकते हैं 2 साल का। तो ये पूरा जो एम फॉर्म है ये प्रैक्टिस की बेस बनाया गया है। तो इस एम फॉर्म के बाद अगेन आप जो है 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, और फिर आप जो है वही जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वही आप फॉलो करेंगे। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज यहाँ पर ऑफर करती हैं, यहाँ पर 10 यूनिवर्सिटी के अबाउट है यहाँ पर वो जो है ऑफ़र करती हैं एम फॉर्म, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का जो एम फॉर्म है वो लीडिंग नहीं करेगा एज ए रजिस्ट्रेशन टू द फार्मासिस्ट। तो आप जब आप चूज़ करें तो आप बहुत ही केयरफुली आप पहले देख लें कि आपका प्रोग्राम जो है वो एक्रेडिटेड है एस्मिन फार्मेसी बोर्ड से या नहीं, या उन्होंने क्लियरली मेंशन किया होता है वहाँ पर कि ये हमारा प्रोग्राम जो है एस्मिन फार्मेसी बोर्ड से एक्रेडिटेड है और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे। आप इवन आप ईमेल करके भी उनको पूछ लें कि मेरे लिए जो है से मैं बी फॉर्म हूँ और मैं ये या मैं फॉर्म डी हूँ, मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्म करके मेरा जो जो प्रोग्राम है आपका ये लीडिंग करेगा या नहीं। तो मैंने अभी चेक किया यहाँ पर 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, मगर उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो एम फॉर्म है वो जो है एज ए रजिस्ट्रेशन के लिए लीडिंग नहीं करेगा, तो वो जस्ट इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकता है। तो उस कोर्स में आप ना आए, आप उसी कोर्स में आए जो कोर्स जो है रजिस्ट्रेशन करवाए आपका, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएं, उसके बाद ही आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, या आप जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, या फिर जो है आप जो है मोस्टली सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं वो सारे रिटेल में करते हैं, मतलब रिटेल फार्मेसी में, तो आप जो है रिटेल फार्मासिस्ट बन जाएंगे उसके बाद, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिले हैं इंडिया से जो फार्म डी किए हुए हैं इंडिया से और बी फॉर्म किए, इवन मेरे कुछ जूनियर्स यहाँ पर आए हुए हैं 3 से 4 मेरे यूनिवर्सिटी से, वो लोग गलत कोर्स में आ गए मेरे हिसाब से। मतलब जैसे पब्लिक हेल्थ में एक आ गया, एक जो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आ गया, है ना। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं ना तो आपको रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ना ही आपको जो है PR में ये लोग कुछ हेल्प करेंगे, सारे कोर्स PR की लिस्ट में नहीं आते, अभी मैं आऊँगा PR पर भी। फिर हम आते हैं नंबर 2 पर MPhil। एक कई स्टूडेंट्स ने पूछा कि MPharm में यहाँ पर ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक, फार्माकोग्नोसी, है ना, फार्मेसी प्रैक्टिस। तो यहाँ पर के जो MPharm है वो प्रैक्टिस के लिए एज ए रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको हेल्प करेगा, वो इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है, उसमें ब्रांच की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्रांचेस में जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर MPhil होता है, तो MPhil में ब्रांचेस होती हैं, उसका दूसरा प्रोसेस है,
तो एमफिल यहाँ पे होता है, मतलब कोई भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो बीफॉर्म करता है वो पीएचडी यकीन एलिजिबल है, वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है, मगर वो ऑनर्स होना चाहिए, उसके जो मार्क्स हैं एक जिनका क्राइटेरिया है 80+ परसेंटेज समथिंग होता है, उससे प्लस है तभी आप बीफॉर्म के बाद पीएचडी कर सकते हैं डायरेक्टली। मगर आपने अगर आपकी परसेंटेज कम थी और आप अगर अब आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप जो है एमफिल में पहले एडमिशन लेंगे। तो एमफिल यहाँ पर ऐसा ओपनली क्लासेस नहीं होती हैं उसकी, तो आप इंडिविजुअल एक प्रोफेसर के लिए ईमेल करेंगे कि आपने ये बैचलर डिग्री किया हुआ है और आप ये एमफिल करना चाहते हैं उसके अंदर, मतलब ये जो है मास्टर डिग्री है विद रिसर्च, और एमफॉर्म जो है वो कोर्स वर्क है। तो कोर्स वर्क जो है वो जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन कराएगा, ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, ये आपको लीडिंग करेगा पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, एक साल में यहाँ पे एमफिल में एडमिशन लेते हैं, फिर उसी प्रोफेसर के अंडर में वो लोग पीएचडी के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं उसी डिग्री के लिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको फार्मास्यूटिक्स में करना है पीएचडी, तो आप पहले आप एमफिल करेंगे फिर आप पीएचडी करेंगे, तो आप जो है कोई भी फार्मास्यूटिक्स के प्रोफेसर से आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मगर उसमें कोई भी ऐसे कोर्स वर्क नहीं होता है एमफिल के अंदर। यहाँ पर डायरेक्टली कुछ कोर्स वर्क होता है, मतलब लिटिल बिट है, बहुत कम है, इस काइंड ऑफ लाइक मिक्स मोड है वो, है ना। उसमें रिसर्च मेन कंपोनेंट होता है कि आपको जो है पीएचडी में लीडिंग करना है, तो इसमें जो भी आपको ब्रांच करनी है, और जैसे आपको फार्मेसी प्रैक्टिस में करनी है तो आप फार्मेसी प्रैक्टिस के जो एक प्रोफेसर है उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर वो जो है आपको बता देंगे कैसे कैसे प्रोसेस है। मगर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको जो है सिर्फ एमफॉर्म में एडमिशन लेना है, एमफिल से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। मगर आप चाहते हैं जैसे कि आपको अगर पीएचडी करनी है, फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी में एक इंडियन स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी, तो वो स्टूडेंट जो है एमफिल कर रहा है, इवन वो एमबीबीएस है। मैं एकदम सरप्राइज हो गया, उनके एमबीबीएस के बाद ये एमफिल क्यों कर रहा है, फिर मगर वो एमबीबीएस किया हुआ है चाइना से, तो उसको इंडिया वापस जाना नहीं था, तो उसने यहाँ पे एमफिल में एडमिशन लिया और फिर अब वो जो है लीडिंग करेगा पीएचडी के लिए माइक्रोबायोलॉजी में। तो वो मतलब डॉक्टर होकर भी फार्मेसी की फैकल्टी में है यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है ऑफ़र करती हैं, यहाँ पर 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, तो आप उसको क्लिक करके आप 1x1 यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएं और आप वहाँ पर उनका प्रोग्राम देखें। तो प्रोग्राम भी कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही हैं 1.5 ईयर में, 1.5 साल में, और कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही हैं 2 साल में। और अब आप यहाँ बात आती है पीआर की, तो आप ऐसे स्टेट में जाएं कि वो स्टेट आपको स्पॉन्सर करे। फॉर एग्जांपल जिस स्टेट में हम रहते हैं, मैं यहाँ सिडनी में रहता हूँ, तो सिडनी आता है एनएसडब्ल्यू में, और एनएसडब्ल्यू कोई भी अपने मतलब स्टूडेंट को वो जो है स्पॉन्सर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो 37 मिलियन जो पॉपुलेशन है उसमें का मतलब जो है हम बोल सकते हैं अराउंड 40% जो पॉपुलेशन है वो इसी स्टेट में रहती है, और ज़्यादातर लोग सिडनी में रहते हैं ना, तो उनको लोग नहीं चाहिए। मगर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लोग हैं ही नहीं है, लाइक नॉर्दर्न टेरिटरी है, तो वहाँ पर जो है डायमंड यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर, तो जस्ट वहाँ पर 50,000 पॉपुलेशन है ना, उनको लोग चाहिए, तो वहाँ से कोई भी अगर स्टडी करता है वो लोग स्पॉन्सर करते हैं फॉरन पीआर के लिए। आप को पीआर मिल जाएगा फिर आप जो है जॉब आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, और इवन आप फिर बाद में पीआर मिलने के बाद आप जो है स्टेट भी आप चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट में जाके, इवन जरूरी नहीं है फार्मेसी, आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि आपको अगर पीआर मिलता है जैसे फार्मेसिस्ट का, तो आप फार्मेसिस्ट की ही जॉब कर सकते हैं। आपको अगर बाद में अगर प्रोफेशन चेंज करना है, बहुत सारे लाइक CRO टाइप से या रिसर्च बेस्ड या कुछ भी है, बाद में आप आके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 10 यूनिवर्सिटीज दी हुई है, तो आप जानते हैं यहाँ इन्होंने दी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, मैं कुछ यूनिवर्सिटी को यहाँ पर थोड़ा सा वो कर देता हूँ, मतलब डिस्क्राइब कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी यहाँ की मतलब टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है। यहाँ पर एक ग्रुप 8 करके एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट होती है, ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मतलब वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उसको बहुत ज़्यादा फंड मिलता है गवर्नमेंट से, तो वहाँ पर स्कॉलरशिप के ज़्यादा चांस भी हैं, कुछ कुछ स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं। एमफिल में आपको शायद चांस हैं स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है, मगर एमफॉर्म में मतलब चांस नहीं है, मतलब कम चांस है, फिर भी अगर है तो आप मतलब आप चूज़ कर सकते हैं।
मगर मैं रिकमेंड करूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, एक टॉप यूनिवर्सिटी है और जॉब के हवाले से बहुत ही टॉप में, ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 4 रैंक पे आती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में नंबर 4 पे आती है अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो। मगर यह हमने बताया जैसे कि पीआर के लिए ये लीडिंग नहीं करेगा, मगर रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप यहाँ से करते हैं जॉब तो आपको मिलनी ही मिलनी है, मगर इसका फ़ीस बहुत ज़्यादा होगा। इसका फ़ीस अराउंड मैंने एक लाइक ऐसा एक अप्रोक्सीमेट मान लें लाइक 40 लाख से लेके 60 लाख के बीच में यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। फिर एक UTS आती है, UTS भी हमारे पास में ही होती है, मगर मैं अभी यहाँ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब छोटी यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं, मगर वहाँ पर जाएंगे आपको जो है PR मिल जाएगा उस स्टेट में और आपको जो है जॉब भी मिल जाएगी। जैसे कि एक है कर्टिन यूनिवर्सिटी, तो कर्टिन में आप चले जाइए, छोटी यूनिवर्सिटी है मगर अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी। और फिर एक होती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये भी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी ग्रुप 8 में आती है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल है, और एक है यूटा यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर आप जाएँ। यस दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मतलब कि यहाँ पर रह गई थी, एडमिशन की नहीं है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, जो IELTS चाहिए आपको 7 जो है ईच बैंड है ना, या फिर जो है कुछ पे 6.5 भी मांगते हैं और ओवरऑल 7, और कुछ कम भी मांग सकते हैं 6 भी और 6.5। तो यूनिवर्सिटी ये वेरी करेगा और आप वहाँ पर जाके चेक कर लें। मगर आप, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपको एग्जम्पशन भी मिल सकता है यहाँ पर, आपको इंग्लिश टेस्ट की जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर मैंशन किया हुआ है अगर आपका जो कोर्स है, जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी है या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो किया हुआ है आपने अपनी कंट्री से, तो वहाँ से एक आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर ले लें कि जो आपका जो प्रोग्राम था वो इंग्लिश में था, मेडिकल ऑफ इंस्ट्रक्शन जो और जो एग्जामिनेशन थी इस कोर्स की वो इंग्लिश में थी। अगर वो इतना लिख के दे देते हैं और आपका आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो फिर आप अगर आप वो दिखाएंगे तो फिर आपके लिए IELTS या जो है मतलब TOEFL देने की ज़रूरत नहीं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो है एग्जम्पशन दे देती हैं, तो आप ये कर लें तो फिर आपको IELTS देने की ज़रूरत भी नहीं है। मगर आप IELTS देंगे तो फिर आप जो है वाइडली आप जो है ओपन हो जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जो है ओपन कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप M.PHARM में आ रहे हैं तो फिर जो है मतलब आप एज रजिस्ट्रेशन, आप एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे तो आपको जो पब्लिक से डीलिंग रहेगा तो आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए ये लोग जो है 7 मांगते हैं उसमें। मतलब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे तो आपको जो है पेशेंट से बात करना पड़ेगा, उनके लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तो उन सब के लिए जो है एक अच्छी इंग्लिश ज़रूरी है। तो उसके लिए ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है 7 बैंड मांगती हैं, कुछ जो है 6.5 भी। तो ये और इन एडिशन था उसमें, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं मतलब एक साल में एक बार जो है एडमिशन देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी एक साल में 2 बार देते हैं, तो ये भी आप चेक कर लें कि उनकी जो है मतलब डेट कब है, लास्ट डेट कब है जो है एप्लीकेशन की, है ना। ये सारी चीज़ें जो है आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। मैंने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी की क्या क्या लिस्ट है वो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप लोग चेक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल मेक लॉट ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू द इंडियन फार्मासिस्ट वॉन्ट टू वर्क इन अब्रॉड, एंड इफ यू वॉन्ट टू मेक मी एनी वीडियो प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू मेक मी वीडियो ऑन योर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। थैंक यू।